भारत के प्रधानमंत्री के संभावित दौरे तथा भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अधिवेशन के मद्देनजर फर्टिलाइजर स्थित कार्यक्रम स्थल का प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निरीक्षण किया और वहां की तैयारियों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हेलीपैड से कार्यक्रम स्थल तक सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित कराया जाए तथा रैली में आने वाले लोगों को वाहनों की पार्किंग आदि की अच्छी व्यवस्था कराई जाए। सीएम योगी ने कहा कि 23 और 24 फरवरी को किसान अधिवेशन का आयोजन किया जा रहा है। अधिवेशन का उद्घाटन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह करेंगे तथा समापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों संपन्न होगा। इसके साथ ही पीएम मोदी विभिन्न परियोजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण करके गोरखपुर वासियों को सौगात देंगे। निरीक्षण के दौरान अपर मुख्य सचिव सूचना अवनीश कुमार अवस्थी, ADG दावा शेरपा, मंडलायुक्त अमित गुप्ता, IG जय नारायण सिंह, जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन, SSP डॉक्टर सुनील गुप्ता सहित अन्य अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, जगह दीजिए आप लोग अजय जैसे पिछली बार हुआ था वहाँ पे सरकारी कार्यक्रम वहाँ पर और बाकी रैली का वो वहाँ से यहाँ तक बाइक कार आ सकते हैं। कहाँ गए ये जिलाधिकारी और कहाँ जिलाधिकारी इधर आप लोग पीछे बना सकते हैं सर। जो यहाँ पे स्विच कॉटेज है जो PMO आने के लिए और उसके लिए अगर कोई वो करना हो यहाँ पे इसको बन सकता। सारी चीजें वाकई वहाँ से होंगी, वहीं से लाइव भी होगी, वहीं से लाइव होगा वो कार्यक्रम, यहाँ भी दिखाया जाएगा स्टेट में, सभी जिले में और देश के अंदर भी जाएगा वो वहाँ वाला कार्यक्रम। बाकी यहाँ रैली का स्थान का मतलब
चलिए चलिए वहीं बैठेंगे, अभी बैठेंगे, अभी बैठेंगे, 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 चलिए सर तो अरे कहाँ नहीं कहेंगे सर, बस आगे चल के रुकेंगे, सफाई की व्यवस्था हो जाए यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा। दूसरा ये कार्यक्रम है, वैसे हम उद्घाटन का कार्यक्रम और सारे कार्यक्रम हम यहाँ भी कर सकते हैं, इस मंच पर भी कर सकते हैं, और इस मंच पर भी किया जा सकता है इसको लेकर के यहाँ पर, और नहीं तो यहाँ पे किया जा सकता है, जिससे ये रोड पूरी तरह खुली रहे, ठीक है, ये रोड खुली इसलिए रहे क्योंकि इधर के लोग इधर से आ सकते, ठीक है ना, और बाकी लोग आपके इधर नखा की तरफ से इधर से कार्यक्रम, ठीक है सर, तो ये दोनों रोड खुली होने हम सर केवल इतने के बैरिक भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा का राष्ट्रीय अधिवेशन 23 और 24 फरवरी को गोरखपुर में होने जा रहा है। अधिवेशन का उद्घाटन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी के द्वारा होगा, और अधिवेशन के समापन कार्यक्रम में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। यह कार्यक्रम अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होगा, वैसे भी इसी प्रांगण में प्रधानमंत्री जी ने 2016 में गोरखपुर में फर्टिलाइजर कारखाना की आधारशिला रखी थी। 26 वर्ष के बाद गोरखपुर के बंद पड़े कारखाने के पुनरुद्धार की कार्रवाई प्रारंभ हुई थी, और आज उस कारखाने के निर्माण के लिए युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। गोरखपुर के एम्स की नींव भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसी प्रांगण में रखी थी, और एम्स का निर्माण युद्ध स्तर पर चल रहा है। किसान मोर्चा की यह रैली कई मायनों में महत्वपूर्ण होगी, खास तौर पर विगत 4.5 वर्ष के दौरान किसानों के लिए खेती खिलान के लिए जिस प्रकार की घोषणाएं और जिस प्रकार के कार्यक्रम लागू हुए हैं, उन सब के साथ साथ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का शुभारंभ भी इसी स्थल से प्रधानमंत्री जी के द्वारा होगा, और भी अनेक कार्यक्रमों के साथ यह किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, पूर्वांचल के स्वास्थ्य के लिए और अन्य तमाम योजनाओं की दृष्टि से, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के दृष्टि से भी प्रधानमंत्री जी का गोरखपुर में आगमन पूर्वांचल वासियों को, उत्तर प्रदेश वासियों को एक नई ऊर्जा और मार्गदर्शन प्रदान करेगा। इन्हीं सब कार्यों का आज निरीक्षण करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। पूरी तैयारियाँ युद्ध स्तर पर चल रही हैं, पूरी टीम लगी हुई है, और हमें विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा का राष्ट्रीय अधिवेशन सफलतम अधिवेशन के साथ ही किसानों के जीवन में खुशहाली लाने, उनके जीवन स्तर को उठाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने जितने भी कदम उठाए हैं, वह आम किसान के जागरूक होने और प्रत्येक किसान को योजनाओं से जोड़ने में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा का प्रत्येक कार्यकर्ता प्राणपण से लग करके उन योजनाओं को सफलतापूर्वक उन सभी किसानों तक पहुंचाने में भी सफल होगा। इस दृष्टि से आज
यहाँ पर प्रधानमंत्री जी के कार्य और किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारी और उसकी समीक्षा करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ।